विभिन्न मांगों को लेकर बीजेपी चाय बागान संगठन बीटीडब्ल्यू संताली चाय बागान में गत मीटिंग में शामिल हुए। भाजपा के चाय बागान संगठन बीटीडब्ल्यू ने बुधवार सुबह कालचीनी ब्लॉक के संतली चाय बागान में 2 घंटे की बैठक में शामिल होकर चाय बागान श्रमिकों के लिए 20% पूजा बोनस, श्रमिकों के लिए स्थायी आवास के निर्माण और ग्रेच्युटी के प्रावधान की मांग की। इस दिन सभी चाय बागान श्रमिक बीजेपी चाय बागान एसोसिएशन बीटीडब्ल्यू की ओर से गत मीटिंग में शामिल हुए थे। इस विषय में भाजपा मंडल सभापति प्रदीप कुजूर ने कहा कि संतली चाय बागान में पिछले 3 साल से रिटायर हुए श्रमिकों को पेंशन नहीं मिल रही है। बहुत श्रमिकों के लिए अभी तक पक्के आवास नहीं बनाए गए हैं। इसके अलावा चाय बागान में काम करने वाली महिला श्रमिक के बच्चे के रखने के लिए क्रेच हाउस भी निर्माण नहीं किया गया। इन सभी समस्याओं के समाधान के साथ ही 20% पूजा बोनस की मांग को लेकर यह मीटिंग की जा रही है। भाजपा चाय बागान श्रमिक नेतृत्व ने दावा किया कि मांग पूरी न होने तक यह गेट मीटिंग जारी रहेगा। आने वाला दिन में जिस प्रकार नरेंद्र मोदी कही है कि पूरा भारत है उसमें मैं गरीबी दे रही करूंगा, मैं गरीबी के धीरे धीरे करते करते और मैं उपयोगता उठा दू और चाय बागान दिया दिन जतने थकूक तुम्हारी छेरा সাজিয়ে রেখো পুরনো তারা, শীতের ধুলো শিমুল তুলো পোশাক আশাক ভরসা গুলো ভরসা হারাই তোমাকে ছাড়া। যত পুষ্পা ফার্নিচার যত্নে থাকো সবকিছু। অতুরাজ ডিলার, দ্য ফার্নিচার হাউস, দাওয়াগুড়ি, তুফানগঞ্জ রোড, রিলায়েন্স পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে কোচবিহার।